टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन। जम्मू कश्मीर न्यूज बुलेटिन के साथ हलीमा सादिया आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के बुलेटिन का आगाज करते हैं कोविड वबा के खिलाफ लॉकडाउन की बंदिशों के खुलने के तस्करे के साथ। जूं-जूं जम्मू कश्मीर में कोविड केसेस नीचे गिर रहे हैं, तों-तों जम्मू कश्मीर की सरकार 13 डिस्ट्रिक्ट से वीकेंड का लॉकडाउन खत्म कर रही है। ताहम रात का कर्फ्यू शाम 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बदस्तूर कायम रहेगा। तमाम दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। हुकाम का आवाम से अभी भी यही तकाजा है कि वो हफाजती तदाबीर को मुकम्मल तर्क न करें। देखिए इस सिलसिला में ANI की कर्टिसी के साथ एक खसूसी रिपोर्ट। लॉकडाउन जो है धीरे धीरे ख़त्म हुआ है, परंतु मेरी ये अपील है कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो हर पुंछवासी जो है उसको अडॉप्ट करें, चाहे वो मास्क का पहनना हो, हैंड हाइजीन हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना हो, ताकि ये जो वबा है कोविड की ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और हम जो है नॉर्मल की लाइफ जो पहले की थी वो उसमें हम आ जाए। गवर्नमेंट का ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ की, इसका हम शुक्रिया अदा करते हैं, इसलिए कि इन्होंने जो है पहले जो टाइम था वो हमको बहुत कम मिल रहा था, अब जो टाइमिंग भी हमें अच्छा मिल गया, सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक वो अच्छा टाइम है, घर में भी हम टाइम से चले जाते हैं और हमारा कारोबार इससे जो है अब थोड़ा फर्क पड़ेगा। हम दुकानदार गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि पिछले दिनों में बहुत ही आपको पता है बुरी लात सी दुकानदारों की और सब की, अब लॉकडाउन खुल चुका है, हम यही गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और साथ में लोगों को ये भी कहना चाहते हैं, यानी कि लॉकडाउन खत्म हो गया तो मास्क नहीं पहनना है, वैसे ही सैनिटाइजर हाथ में लगाना है और मास्क लगाना है। जो भी ये कदम एक एडमिनिस्ट्रेशन ने उठाया है हम लोगों के लिए, हम दुकानदार लोगों के लिए, आम जनता के लिए ये जो कदम उठाया है कि इस कदम को कि लॉकडाउन को खोल दिया है, इस कदम को हमें बरकरार रखने के लिए सब जनता से मैं यही अपील करूंगा कि सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, जब भी बाजार में आए मार्केट में आए तो मास्क जरूर पहन के निकलें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल जज्बे पर अमल करते हुए उधमपुर के 3 इंजीनियरों ने अपनी नौकरी छोड़कर डोगरा कल्चर के फरोग की खातिर एक रेस्टोरेंट शुरू कर दिया है। उन्होंने इस रेस्टोरेंट को मुकामी आर्टिस्टों की पेंटिंग से सजाया है। एक जॉइंट वेंचर शुरू किया था अपना लोकल चीज़ कलाड़ी को प्रमोट करने के लिए,
तो उसी में हमने हम काम किया, उसके बाद हमने अपना एक कैफ़े खोला और एक लोकल चीज़ को प्रमोट किया, एक अपने अपना ग्रुप बनाया, फिर हमने गांव के लोगों को इकट्ठा किया, वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट की। कैफ़े खोला तो हम शुरू में हम सोच रहे थे कि सिर्फ कलाड़ी ब्रेड दे के, क्योंकि दिस इज़ हाउ वी आर फैमिलियर विद, हम कलाड़ी ब्रेड के साथ ही खाते हैं। हमने सोचा कि सिर्फ कलाड़ी ब्रेड के साथ ना देखें, हम कुछ इसके साथ एक्सपेरिमेंट्स करें। तो फिर हमने खुद पहले घर पे एक्सपेरिमेंट्स किए, कोविड के दौरान ही हम घर पे ही किचन में, मेरा एक दूसरा इंजीनियर दोस्त है, इज़ वेरी गुड विद कुकिंग, तो उसने कुछ कलाड़ियाँ लेके घर पे, तो घर पे हम एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किया। हमने कलाड़ी मोमोज बनाना शुरू किए घर पे, कलाड़ी के साथ वेज ऑमलेट बनाना शुरू किया जिसमें अंडा नहीं लगता। तो ऐसे कुछ टेस्ट किए, कुछ चीज़ें फेल भी हुई, कुछ चीज़ें पास भी हुई। तो हमने सोचा कि उसमें से हमने कुछ 20 डिशेज़ जो हैं जो हमने फाइनलाइज़ किए कि हाँ, हम जब कलाड़ी फैक्ट्री करके जो हमारा इनिशिएटिव है, जब वो खोलेंगे तो हम उनमें वो 20 से 25 डिशेज़ डालेंगे। कलाड़ी फैक्ट्री आए थे, मतलब नॉर्मली ऐसे फ्रेंड से मिलने के, तो हमने यहाँ पे कलाड़ी खाई और इन लोगों की हॉस्पिटैलिटी वगैरह सब काफ़ी अच्छी है। और ये है कि एक कम्फर्टेबल प्लेस मिल गया हमें बैठने के लिए, मतलब कि, और ये है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है इस चीज़ की वजह से। कश्मीर राजौरी के लोगों ने दिल्ली सरकार का खास तौर पर शुक्रिया अदा किया है कि सरकार ने बिजली की बहाली, स्कूलों, घरों, सड़कों और पुलों की तामीर का भरपूर काम इलाके में करवाया है। ये सब सहूलियात जिला के दूरदराज इलाकों तक भी पहुंची हैं। इन इलाकों में ये तामीरात पहली बार हुई हैं। बहुत सफ़र होते थे और आज यूटी गवर्नमेंट का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बड़ा एहसान है कि हमें यहाँ पे अच्छे तरीके से लाइट जो है वो हमारे घरों में चल रही है। ये बड़ा एहसान है इनका। ये हमारा पहाड़ी इलाका था, इसमें बर्फ़बारी गिरती थी तो हमें बर्फ़बारी अंदर जाती थी, तो हमारे बच्चे मुश्किल से वक्त गुजारते थे। इसलिए गवर्नमेंट का बहुत एहसान है, हमें ये मकान मिले तो हम अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। माजी में हमारा सेकेंडरी पी डी या पनहेड या द्राल होता था, हमारी बच्चियों को वहाँ जाना, उस वक्त सड़क की फैसिलिटी नहीं थी, ना ही पुल थे। हमें वो वक्त याद आता और फिर इससे हमारी दिलचस्पी बढ़ जाती है कि अब हमारे प्रोड़ी गुजरा में इतनी अच्छी बिल्डिंग का बनना प्लस टू तक, और हमारे बच्ची बच्चों का यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर कायम होना, इससे मैं समझता हूँ कि काफ़ी तरक्की होगी।
पिछले साल भी हमने काफ़ी काम किया, लेकिन इस साल भी हमारा करने का इरादा है। और सबसे बड़ी दिक्कत यही आई कि जो पीछे कोरोना की वजह से हमें काफ़ी लेबर शेबर और दूसरे मतलब उसमें दिक्कत आ गई, फिर भी हमने हमारे इस वक्त 34 प्रोजेक्टों पर काम चल रहा है। गांव की एक ऐसी खातून की हिम्मत की दास्तान दिखाते हैं जिसने मुकामी डिटर्जेंट के ब्रांड का आगाज किया। ये बाहिम्मत खातून मुकामी लोगों को रोजगार भी फराहम कर रही हैं। आइए एक खसूसी रिपोर्ट देखिए। शादी के बाद मैं अपने हस्बैंड को कहना चाहती थी कि मेरा ड्रीम है कि मैं कुछ करूं, अपना कुछ करूं। फिर हमने स्टार्ट किया इसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना रिगार्डिंग यूनिट्स, इस यूनिट के बारे में नहीं है, बहुत सारे यूनिट्स के बारे में। फिर मैंने नेट पे देखा साबुन के बारे में, डिटर्जेंट के बारे में। फिर मैंने हस्बैंड को कहा ये रिलेट करता है एक वुमेन को ही, वुमेन ही समझ सकती है साबुन के बारे में, क्योंकि जेंट्स को नहीं, मेल को नहीं पता है। तो फिर मैंने ये यूनिट स्टार्ट किया। मेरी जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। मेरे जो फादर इन लॉ है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरी मदद की, वरना ये पॉसिबल नहीं था। और मेरे हस्बैंड जो है वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। मदर इन लॉ सब माशाल्लाह सब बहुत अच्छे हैं, सब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, सबसे ज़्यादा फादर इन लॉ ने सपोर्ट किया। मैं एक्सपेक्टिंग थी, नहीं पॉसिबल था मेरे लिए कि ये फैक्ट्री, ये यूनिट स्टार्ट करना स्पेशली एक लड़की के लिए, लेकिन तीनों ने बहुत ज़्यादा हेल्प की, बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया मुझे। मेरा मोटिव ये था कि यहाँ पर अब देख सकते हैं कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, मैं चाहती थी यहाँ पर इस फैक्ट्री में हर एक लड़की हर एक लड़का काम करे। माशाल्लाह हमें यहाँ पर है 5-10 बंदे इस वक्त काम कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ ये फैक्ट्री बहुत बड़ी बने। जितनी भी अनएम्प्लॉयमेंट कश्मीर में है, कम अज़ कम मैं कुछ कर सकूँ कश्मीर के लिए, कश्मीर के लोगों के लिए। सो मैंने ये मोटिव किया कि मैं इनको अनएम्प्लॉयमेंट जितनी भी है इनको एम्प्लॉयमेंट दे दूँ, लड़कियों को भी और लड़कों को भी, दोनों को एम्प्लॉयमेंट की दे सकूँ। और ये मैं फैक्ट्री अभी छोटा सा यूनिट है, मैं चाहती हूँ ये बहुत बड़ी फैक्ट्री बने। मेरा तो हमेशा से उसके लिए 100% सपोर्ट रहेगा और सपोर्ट करता रहूँगा आगे भी इंशाल्लाह। उसका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, जब हमारी शादी हो गई, शादी के बाद उसका कुछ ड्रीम था कि मैं कुछ करना चाहती हूँ अपने लिए। तो फिर हमने कुछ डिसाइड कर लिया, मैंने उसका कहा कि आप जो करना चाहते हो मैं आपका सपोर्ट करूँगा, डेफिनेटली मैं आपके पीछे खड़ा रहूँगा। तो उसने कहा कि मैं डिटर्जेंट की यूनिट एक खोलना चाहता हूँ जो कि अच्छा है, एक लेडीज़ आइटम है, मुझे पता है कि इसको मतलब कैसे हैंडल करना है। मैंने चलो ठीक है, तो फिर मैंने उसको सपोर्ट किया, यहाँ तक पहुँचे, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। फिलहाल यहाँ तक पहुँच गए, बहुत मेहनत करनी पड़ी तब यहाँ तक पहुँचे हैं। श्रीनगर में सियाहत की इंडस्ट्री ने कोविड की बंदिशों में नरमी आने के बाद कारोबार में बेहतरी महसूस करना शुरू कर दी है। भारत में गर्मी की शदीद लहर से बचने के लिए अब सयाहों ने वादी का रुख करना शुरू कर दिया है। कोविड वबा ने सियाहत के कारोबार को पूरी तरह मुतासर किया था।
देखिए चेंज तो हर किसी को चाहिए, हम भी चाहते हैं बाहर निकलें और सेफ, हर कोई सेफ होना चाहिए बाहर। अब बाहर निकल रहे हैं, अच्छा लग रहा है कि हर कोई बाहर निकले, एक दूसरे को मिले। यहाँ का जो आपका मतलब एनवायरनमेंट हम देख रहे हैं, हमें भी सेफ लग रहा है कि अगर हम बाहर आए हैं, घर से बाहर निकले हैं, तो काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है इस बारे में। कश्मीर जो है वो तो धरती का स्वर्ग है, यहाँ पर आने का मौका मिला हमको दोबारा, तो हम बहुत खुश नसीब हैं। कोविड के दौरान कोविड का पालन करते हुए बाहर कम निकलना, ये वो हर बंदा सोचता था कि कब मौका मिलेगा बाहर घूमने का, लेकिन हम इस दौर से निकले हैं और आके हम कश्मीर में घूमने आए हैं, ये हमें बहुत अच्छी बात लगी है। और कश्मीर का माहौल भी अब ठीक है, बहुत ज़्यादा घूमने में बहुत अच्छा लग रहा है। Right now, on an average, that we get from 1,000 to 1,200 tourists per day, and I hope that as the situation improves and more relaxations are given, tourism will definitely go at its peak. And we are ensuring that all the COVID protocols are followed. You know, right now the policy which is being followed with respect to tourists is that those who are coming with RT-PCR negative test of 72 years old, they have to undergo no test. But for others, the RAT test at airport is mandatory. All the staff of hoteliers, service providers, taxi drivers, shikarawalas, houseboat owners, all of them have been fully sensitized about following the COVID protocols. I am very glad to share with you that 90% of the service providers have been vaccinated, and in the coming days we will ensure that 100% vaccination is done. And all the tourists, they are also requested that they shall also strictly follow COVID protocols, so that while they enjoy the natural beauty, enjoy the scenic beauty of Kashmir. जम्मू कश्मीर के एक रिहायशी बिलाल अहमद खान ने अनंतनाग में एक तफरी पार्क के कारोबार का आगाज किया है, जिसमें कश्ती रानी का तालाब और मछली फार्म शामिल हैं। इसने इलाके के नौजवानों से अपील की है कि वो दिल्ली और जम्मू कश्मीर की सरकारों की माली स्कीमों से फायदा उठाएं और इलाके की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। मैंने कुछ साल पहले ये मछलियों का तालाब बनाया था इधर मछलियाँ पालने के लिए। फिशरीज़ डिपार्टमेंट ने मुझे इसमें थोड़ा हेल्प किया सीड देने में और थोड़ा ये गाइड किया किस तरह बनाना है, तो मैंने ये कंस्ट्रक्ट किया। तो आस्ता आस्ता कुछ साल तक मैं मछलियाँ बेचता रहा इसमें, लोग आए उनको बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, यहाँ अच्छी मछलियाँ तैयार हो गई, क्योंकि यहाँ पर पानी का हमारा ये सोर्स है, अच्छा चश्मे का पानी आ रहा है इधर, इसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मैंने ये बनाए, फिर आस्ता आस्ता मैंने सोचा ये सफिशिएंट नहीं है खाली मछली पालन, तो और लोग मैं सोच रहा था लोग आने चाहिए यहाँ पर, मैंने यहाँ पर ये थोड़ा अपना ही पर्सनल लेवल पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन कायम किया। जो श्रीनगर नहीं जा सकते थे, आम मिडिल क्लास और लोअर क्लास लोग नहीं जा सकते थे श्रीनगर बोटिंग करने के लिए, मैंने इनको यहाँ ही बना के दिया ये अम्यूज़मेंट
तो वो यहाँ पर बोटिंग करते हैं, घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, बहुत अच्छा लगता है उनको यहाँ आना। और हम भी, हमारी फैमिली भी खुश हो जाती है, वो उनको देख के बच्चे आते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे, जैसे वो बच्चियाँ परियाँ होती हैं बोटिंग करते हुए, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। और इसी के साथ भी मुझे थोड़ा अपना रोज़गार भी मिलता है यहाँ पर। आम नौजवानों को बोलना चाहता हूँ कि उनके पास भी बहुत सारे ये मौके हैं, वो गवर्नमेंट की स्कीमों का फ़ायदा उठाएं और वो भी कुछ ना कुछ करें, कुछ एग्रीकल्चर हो, फ्लोरिकल्चर हो, बाकी सेरिकल्चर हो, उसमें वो खुद अपना रोज़गार कमा सकते हैं। सरकारी नौकरियों के पीछे नहीं पड़ना है, बल्कि गवर्नमेंट से स्कीमें मांगनी हैं और जो उन आइडियाज़ हैं वो मांगने हैं, तो ताकि वो भी कुछ करें। बहुत सारे सेक्टर हैं, उसमें वो अपना रोज़गार कमा सकते हैं। मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ, यहाँ पे बोट मिली चलाने के लिए, क्यूट से मछलियाँ हैं एंड यहाँ पे झूले हैं। मुझे यहाँ पे बहुत मज़ा आया, आपको भी आना चाहिए। आज का हफ्तावार जम्मू कश्मीर न्यूज बुलेटिन हलीमा सादिया के साथ देखने का बहुत शुक्रिया। टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन।